देख रहे हैं, जितनी महिलाएं देख रही हैं, मेरी मां बहनें देख रही हैं, जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यापारी देख रहे हैं, जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग, मैं जानता हूं जब आप देखते हो कि किस तरह से नेता और पार्टियां मिलकर देश को लूट रहे हैं, आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के खिलाफ, आप भी कुछ करना चाहते हो। आज समय आ गया है, पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति, सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगो के। कौन है ये लाभ सिंह उगो के? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है, मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवन ज्योत कौर, उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। तो दोस्तों, आम आदमी बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो, ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ, अब इंकलाब लाना है देश के अंदर, समय आ गया है भारत का। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। सब लोगों को, सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है, आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीद 90 के पार सीट हो चुकी है, अभी तक, अभी नतीजे और आ रहे हैं, इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है, इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। तो एक तो ये कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, हमें बदतमीजी नहीं करनी। ये लोग हमें गालियां देंगे, इन्होंने चुनाव में मेरे को कितनी गालियां दी, केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, केजरीवाल काला है, केजरीवाल अंग्रेज है, केजरीवाल पता नहीं क्या क्या, आतंकवादी है। हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना, हमें इस देश की राजनीति बदलनी है। कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी, आपको मुबारक, मैंने स्वीकार ही नहीं की आपकी गाली। हमें प्यार और मोहब्बत की राजनीति लेके आनी है, हमें सेवा की राजनीति करनी है। कहीं कोई बीमार दिखे, कहीं कोई मुसीबत में दिखे, उसकी मदद करो, हमें सेवा की राजनीति करनी है। मैं अभी अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहा हूं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया था, उनका आशीर्वाद लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि
कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर वन देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। भारत माता की, इनकलाब इनकलाब। गाना